रामायण हमारी भारतीय साहित्य की विशाल परंपरा का एक महत्वपूर्ण उद्गम है और हम उसे आदि काव्य के नाम से जानते हैं। आदि काव्य इसलिए कि रामायण से पहले ऋषियों के मंत्रों का विशाल संग्रह वैदिक साहित्य जिसको छंदस के नाम से हम जानते हैं, तो वह आर्ष काव्य है, देव काव्य है, ऋषि काव्य है। वाल्मीकि भी ऋषि हैं, किंतु देव काव्य के बाद वाल्मीकि से नर काव्य शुरू होता है जिसके केंद्र में मनुष्य है। और वो है आदि काव्य, कहा जाता है आदि काव्य, लेकिन उसका वर्ण्य विषय, उसका उद्देश्य, उसका विवेचन कुल मिला जुला के समग्र रूप से वह आदिम संस्कृति का प्रतिनिधि काव्य नहीं है। आदि केवल वह प्रारंभ के अर्थ में है, एक परंपरा के बाद एक नई परंपरा का प्रारंभ, लेकिन वह एक विकसित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। रामायण जैसा कि उसका आरंभ ही होता है वाल्मीकि की एक गहन पृच्छा से, जिसमें वाल्मीकि नारद से पूछते हैं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान, इस समय संसार में कौन है जो गुणज्ञ है, धर्मज्ञ है, वीर है, फिर भी कृतज्ञ है, अपने सत्य में दृढ़ है, दृढ़ व्रत है, अपनी प्रतिज्ञाओं में भी दृढ़ है, और वह सत्यनिष्ठ महापुरुष जो क्रोध को जीत चुका है, लेकिन जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं, कौन है ऐसा? तो मनुष्य के महान गुणों का जो एक समग्र प्रतिनिधि हो सकता है, ऐसा मानव चरित्र कौन है? और सांप्रतम इस समय बिल्कुल इसी लोक में हमारे सामने हो, जो सत्यनिष्ठ है, और सत्य केवल शब्द नहीं है, वह धर्म का सार है, लेकिन वह केवल शब्द में नहीं जीता, किसी श्लोक में और किसी शास्त्र में नहीं जीता, बल्कि वह मनुष्य के चरित्र में जीता है। इसलिए वाल्मीकि का प्रश्न है, चारित्रेण च को युक्तः, कौन है जो मनुष्य के महनीय चरित्र से युक्त है? और फिर नारद विस्तार से राम के बारे में बताते हैं। राम है ऐसे महापुरुष जिसमें उन्होंने एक जगह बहुत ही एक संकेतपूर्ण वाक्य आता है कि समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव, धैर्य में वह हिमवान के समान है और गंभीरता में समुद्र के समान। तो हिमालय से लेके समुद्र तक ये जो भूभाग है भारत का, उसका केवल भूगोल नहीं बल्कि उसकी संस्कृति, इस भूभाग में रहने वाले मानव ने अपनी सभ्यता के लंबे इतिहास में जो महान संस्कृति रची है और उसको जिया है, सर्वोत्तम रूप से जिस मनुष्य ने जिया है वो है राम। और वाल्मीकि ये पूरी कथा सुन लेने के बाद राम की, जिसको हम मूल रामायण कहते हैं, और इसके बाद ही एक घटना घटती है, अकस्मात जो क्रौंची और क्रौंच प्रेम और क्रीड़ा में जो रहते हैं उन पर एक निषाद या व्याध का बाण तीर लगने से क्रौंच की मृत्यु हो जाती है और क्रौंची विलाप करने लगती है। तभी
वाल्मीकि जो तमसा के तट पर जा रहे हैं उस विलाप से उनके हृदय में शोक उत्पन्न होता है और वो शोक उनके मुख से एक श्लोक बनकर फूटता है। ये है छंद की उत्पत्ति जो मनुष्य के काव्य का आदि बीज है। मानिषाद प्रतिष्ठां तमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंज मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। रे निषाद, तू कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें कभी कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुम्हें जीवन में चैन नहीं मिलेगा, तुमने क्योंकि प्रेम करते हुए एक जोड़े में से क्रौंज को मार डाला। तो खुद अपने इस श्लोक से या कहना चाहिए इस भावोद्गार से वाल्मीकि चकित रह जाते हैं। यह जो विस्मय है ये उनको व्याकुल कर देता है, मेरे मुंह से ऐसा अभिशाप कैसे निकल गया। करुणा और क्रोध के बीच से ये जो शोक श्लोक बनकर फूटता है, इसको आनंदवर्धन ने बाद में कालिदास ने दोहराया है और ये हमारी साहित्य परंपरा में कविता के उद्गम को विशेष रूप से सूचित करता है। वाल्मीकि हमारी महनीय कवि परंपरा के आदि पुरुष है। ओंकार एव वर्णानां कवीनां प्रथमो मुनिः, जैसे वर्णों में ओंकार प्रथम है, अग्रणी है, वैसे ही कवियों में वाल्मीकि। और ये जो उनके मन की व्याकुलता है उसे ब्रह्मा शांत करते हैं यह कहकर कि ये बिल्कुल सही हुआ है और ये श्लोक आपके मुख से फूटा है। यही काव्य भाषा और वर्ण विषय जो आप नारद से सुन चुके हैं, इस वर्ण विषय को, राम के चरित को इन श्लोकों में ही आप वर्णित कीजिए और इस तरह ब्रह्मा की प्रेरणा से वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इस बात में अनेक संकेत हैं काव्य की सृजन प्रक्रिया इत्यादि के, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बहुत ही संकेतपूर्ण शब्द रामायण में आता है कि कवि ने फिर ध्यान पूर्वक उस वर्ण विषय का अन्वेषण किया। तो इस प्रक्रिया में वह जो मूल रामायण का वर्ण विषय है वह फिर कवि कल्पना के जरिए, कवि के बराबर चिंतन और मनन के जरिए विस्तार पाता जाता है और राम के चरित में जो कुछ रहस्य है, जो कुछ जाना नहीं गया है, वह सब भी उनके आगे प्रकट होता जाता है और रामायण की रचना होती जाती है। तो यह है भूमिका रामायण की। उसमें विशेष बात यह है कि यह एक ऐसा काव्य है और इसके साथ ही महाभारत भी एक ऐसा काव्य है कि जिसमें उसका कर्ता कवि भी एक पात्र है। वाल्मीकि इस रामायण के प्रणयिता है, रचनाकार हैं और साथ ही उसमें अपनी एक भूमिका भी निभाते हैं, यानी कवि रचना से पृथक नहीं है, कवि का जीवन भी उससे जुड़ा हुआ है, कवि स्वयं उसको जीता है और उसमें अपनी भूमिका निभाता है। ये जो रामायण की कथा अनेक रूप धारण करती है भारतीय साहित्य में, स्वयं रामायण में वह लेकिन संक्षेप में नहीं है। मूल रामायण में नारद ने उन्हें केवल संक्षेप में कथा सुनाई थी, लेकिन वाल्मीकि ने रामायण में उसे बहुत विस्तार से, बाद के कवियों ने अनेक विषयों को बहुत संक्षिप्त किया है या छोड़ दिया है, लेकिन वाल्मीकि को कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने बड़े विस्तार से जन्म का, विवाह का, राक्षसों के विध्वंस का, परशुराम का प्रसंग, फिर अयोध्या के राजभवन का, उसके परिसर का, परिवेश का, वनवास का, और वनवास के समय फिर तमाम आश्रमों का जो मुनि जीवन है, और समस्त वन्य संस्कृति और वन्य प्रकृति,
पूरा प्राकृतिक परिवेश, यानी जिस तरह उन्होंने मिथिला और अयोध्या के नगर के वर्णन में रुचि ली है, उसके भवनों के वर्णन में रुचि ली है, आगे चल के किष्किंधा का जो राज्य है उसके वर्णन में रुचि ली है, लंका के जो राजभवन है उनके वर्णन में रुचि ली है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने पर्वत का, नदियों का, झरनों का, वन की हरियाली का और वन के यथार्थ दुखद भयंकर भीषण चित्रों का भी वैसे ही अवलोकन किया है और पाठक को कराया है। ये वाल्मीकि ही की कविता है जिसमें भीषण और ललित पक्ष प्रकृति के और जीवन के दोनों समान अधिकार से कवि ने चित्रित किए हैं। इस मामले में रामायण आगे आने वाली हमारी जो काव्य परंपरा है उसका एक दिग्दर्शक है, यानी मनुष्य का जीवन और प्रकृति ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। है इसके केंद्र में मनुष्य, लेकिन प्रकृति हाशिए पर नहीं है, प्रकृति उसके साथ लगी हुई है और वह जीवन का हिस्सा है। ये रामायण की एक बहुत बड़ी देन है। दूसरी चीज ये है कि उसी तरह समुद्र का और जो अपर पक्ष है यानी रावण, वानर ऋष भालुओं के जीवन का चित्रण तो किया ही उन्होंने, उसी तरह से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, स्वयं रावण के दरबार में भी उसी तरह से नीति का विचार विमर्श बहुत ही विस्तार से वाल्मीकि ने चित्रण किया है। यानी धर्म, नीति, राजनीति और कुल मिला जुला करके फिर जो युद्ध है वह केवल युद्ध का वर्णन नहीं बल्कि युद्ध के पीछे के जितने दांव पेंच हैं वो सब के सब वाल्मीकि को जैसे कि स्पष्ट है। कहीं भी उनकी वाणी रुकती नहीं है। वाल्मीकि का जीवन के पूरे विस्तार पर अगाध अधिकार है और उनकी रुचि केवल राम के ही उदात्त चरित्र के चित्रण में नहीं है। वे केवल सीता, भरत और लक्ष्मण के ही पुनीत चरित्रों का चित्रण मनोयोग से नहीं करते, केवल राम के पक्ष के वानरों, ऋषियों, भालुओं, हनुमान आदि वीरों का ही चित्रण नहीं करते, बल्कि स्वयं रावण भी उसी तरह समतुल्य बलवान और वीर होने की तरह के कारण वह भी उसी तरह चित्रित हुआ है। ये वाल्मीकि की एक बड़ी विशेषता है। वहां भी मानवीयता के तमाम पहलू चित्रित हुए हैं, मंदोदरी और त्रिजटा के माध्यम से, राक्षसियों के माध्यम से उसका भयानक पक्ष है, तो स्वयं रावण के परिवार के भीतर जो मानवीय संबंधों का माधुर्य है वहां भी प्रकट होता है। रामायण की एक बड़ी विशेषता यह है कि वो भारत की पहली कविता है, लेकिन उसमें मानव संबंधों का जो माधुर्य है, यानी पारिवारिक संबंधों का माधुर्य, राजा और प्रजा के बीच के संबंधों की विशेषता, गुरु और शिष्य के, मुनियों और दूसरे साधारण जनों के, कुल संबंधों का जो शालीन सुसंस्कृत चित्र है वह वाल्मीकि यहाँ पूरे विस्तार से मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह पहली कविता है, लेकिन भारत की समुन्नत संस्कृति का, उसके शील समुदाय का वह इस हद तक प्रतिनिधित्व करता है कि आप उसे जातीय महाकाव्य कहते हैं। वह हमारे जाति और राष्ट्रीय आदर्शों का महाकाव्य है और उसके केंद्र में मनुष्य होने से राम वहां देवत्व उनका और उनका जो अवतार वाला पहलू है वह नहीं, बल्कि वास्तव में मनुष्य ही ऊंचा उठकर राम हो गया है ऐसा दिखाई देता है। इसलिए वाल्मीकि की रचना मनुष्यतः मानवीय यथार्थ को ध्यान में रख के चलती है
और इसीलिए रविंद्रनाथ ने उसका मूल्यांकन करते हुए कहा कि यदि कवि वाल्मीकि मनुष्य के चरित्र का वर्णन न कर देव चरित्र का वर्णन करते तो अवश्य ही रामायण का गौरव कम हो जाता, उसे काव्य की दृष्टि से क्षतिग्रस्त होना पड़ता, राम के मनुष्य होने से ही रामचरित्र की इतनी महिमा है। रामायण में देवता ने पदच्युत होकर अपने को मनुष्य नहीं बनाया, मनुष्य ही अपने गुणों से देवता बन गया है। ये प्राचीन साहित्य में जहां निबंध हैं रविंद्रनाथ के, उसमें उन्होंने रामायण का मूल्यांकन इस रूप में किया है। दूसरी विशेषता यह है कि उसमें केवल कवि का परिचय नहीं है बल्कि समस्त भारत का परिचय उससे प्राप्त होता है, और इसलिए आज 3000 बरस हो गए, यानी 1000 ईसा पूर्व रामायण का काल मानते हैं, और ईसा से 1000 बरस पहले से लेके ईसा के बाद 2000 बरस बीत चुके, 3000 वर्षों में भी उसकी जो आदर्श प्रेरणाएं हैं वो तनिक भी मंद नहीं हुई। उन्होंने न केवल संस्कृत साहित्य बल्कि हमारे तमाम भारतीय भाषा में की लंबी साहित्य परंपरा को प्रभावित किया, और इसीलिए रामायण उपजीव्य ग्रंथ कहलाता है, यानी उसके आश्रय को लेकर अनेक काव्य जीवित हो उठे हैं, आकार प्राप्त करते रहे हैं, और आज भी साहित्यकार उसके किसी न किसी प्रकरण से, उसके किसी न किसी चरित्र से अब भी प्रेरणा पाते हैं, और आज के जीवन की समस्याओं के लिए उनका उपयोग करते हैं, नए रूप में उनका अनुभावन और कल्पन करते हैं। ये जो रामायण की विशेषता है उपजीव्यता, ये हम देखते हैं निश्चित रूप से रामायण में ही इसका उल्लेख है, और बाद में हरिवंश पुराण ने भी बताया है कि रामायण कुशीलों के माध्यम से, सूतों और मागधों के माध्यम से उसका गायन होता था और वह जनता में अत्यंत लोकप्रिय थी। तो ये रामायण ही है जिसके माध्यम से केवल काव्य ही नहीं बल्कि नाटकों का भी प्रणयन आरंभ हो गया, उनका अभिनय शुरू हो गया रंगमंच पर, और लीलाओं के माध्यम से रामायण पूरे भारत में लोकप्रिय हो उठा, और अब तो हमारे पास प्रमाण है कि वो पूरी एशिया में प्राचीन सभ्यता के जितने केंद्र हैं वहां वहां भी उसके कुछ न कुछ प्रमाण मिलते गए हैं, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में यानी कि इंडोनेशिया में तो अब भी उसकी लीला खेली ही जाती है। लेकिन हम उसके साहित्यिक महत्व पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और हम पाते हैं कि लगभग 700 ईसा पूर्व जो महाभारत का काल है, वो तो महाभारत में भी हमें रामोपाख्यान मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर बहुत दुखी है क्योंकि द्रौपदी का अपहरण जयद्रथ ने कर लिया, तो उन्हें बहुत अपमान बोध होता है, और वे मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि हमें वनवास मिला, इतना दुख मिला, हमें अपना प्राप्तव्य जो अधिकार है वो अभी नहीं मिला, हम वंचित किए गए अपने राज्य से, और इस वनवास में भी हमें चैन नहीं, हमारी पत्नी का अपहरण हो गया, क्या ऐसा पहले भी कभी किसी के साथ हुआ है? और मार्कंडेय मुनि ने उन्हें संतोष देने के लिए, उनका आश्वासन करने के लिए, उनको धीरज बधाने के लिए राम की कथा सुनाई। ये रामोपाख्यान पर्व बतलाता है कि लंबे समय से दुखी लोगों के चित्त का समाधान रामायण कथा के माध्यम से होता आया है, और वे राम के राज्याभिषेक तक की कथा रामोपाख्यान पर्व में सुनाते हैं। और ठीक वाल्मीकि के ही लगभग तमाम प्रकरणों को संक्षेप में उन्होंने दोहराया है,
यानी उसमें अग्नि परीक्षा भी उसी शैली में है। राम ने जिस तरह से सीता पर आरोप लगाया है उनकी अग्नि परीक्षा हुई है। अयोध्या जाने पर भी सीता का जिस तरह वनवास होता है, महाभारत में इन सब का उल्लेख है। फिर हम देखते हैं कि भास जो ईसा से 100 वर्ष पहले जिनका समय माना जाता है, और संस्कृत साहित्य के इतिहास में तो भास केवल उल्लेख मात्र थे, लेकिन 1913 में हम जानते हैं कि जब उनके नाटकों का संग्रह प्राप्त हुआ टी गणपति शास्त्री को, तो उसके बाद से भास एक अनिवार्य संदर्भ बन गए। भास के 2 नाटक अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम हमारे सामने हैं, जिसमें उन्होंने राम की कथा ली है, और उसमें भी उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा की भी कथा ली है। विशेष रूप से सीता के अपहरण का प्रसंग उसमें थोड़ा सा दूसरे ढंग से है, जिसमें रावण एक पंडित विद्वान के रूप में पंचवटी में पहुंचता है और राम उससे पूछते हैं कि श्राद्ध किस तरह किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको अगले दिन राम अपने पिता का श्राद्ध करना है, और तब वो बतलाता है कि कांचन पार्श्व मृग से ही श्राद्ध उत्तम होता है, लेकिन वो तो हिमालय पर मिलता है और उसी समय एक कंचन मृग चरता हुआ दिखता है, और बहरहाल आगे की कथा तो सब उसी तरह से है। आगे भास के इन 2 नाटकों के बाद हमारे सामने वो महाकवि कालिदास वाल्मीकि के बिल्कुल सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में सामने आते हैं, जिनके रघुवंशम में कई सर्ग यानी 9वें सर्ग से लेके 15वें सर्ग तक, रघुवंशम में तो रघुवंश के तमाम राजाओं पर है, लेकिन ये जो सर्ग हैं 9वें से 15वें सर्ग तक वो रामचरित पर है, और उसमें भी 9वां सर्ग तो दशरथ के मृगया वर्णन पर है, और बाकी 3 सर्गों में राम के जन्म से लेकर के रावण के वध तक की कथा बहुत संक्षेप में सरसरी तौर पर कह दी गई है, लेकिन बाद के सर्गों में कालिदास ने विशेष रुचि ली है, खास तौर से रावण के वध के बाद पुष्पक विमान से चलते समय ऊपर से सब कुछ राम सीता को दिखाते चलते हैं, और इस तरह से जो कुछ उनके ऊपर बीती है वह फिर एक बार दोहराया जाता है, फ्लैशबैक की तरह से हमारे सामने आता जाता है, और 14वां सर्ग सीता के वनवास पर है, जो अपनी मार्मिकता में बेजोड़ है, जिसमें राम का अंतर्द्वंद भी है, सीता का दुख भी है, और वाल्मीकि का वह उदात्त चरित्र भी है जिसमें वह सीता के अभिभावक बनकर आते हैं। तामभ्यगच्छद्रुदितानुसारी कविः कुशेद्मा हरणाय जातः निषाद विद्धाण्डज दर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः। कवि तो कुशाएं और समिधाएं सुनने के लिए निकले थे वाल्मीकि, लेकिन सहसा उनके कानों में एक रोती हुई स्त्री का करुण विलाप सुनाई दिया। ये सीता थे जिनको लक्ष्मण झरने के पास छोड़ गए थे, सीता विलाप कर रही थी, और कवि ने यज्ञ के लिए समिधाएं चुनना जिस उद्देश्य से वह निकला था, वह चूंकि कवि था इसलिए वो काम छोड़कर रुदिता अनुसारी उसने रुलाई की आवाज का अनुसरण किया, और उस शब्द का अनुसरण करते हुए वे सीता के पास पहुंचे। कालिदास विशेष रूप से संकेत करते हैं यह वही कवि है जो पक्षी के विलाप पर इस तरह
द्रवित हो उठा था। यह वह कवि था जिसके कानों में एक स्त्री के विलाप के शब्द पड़े थे और वाल्मीकि उनके पास पहुंचे, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया और उसके बाद पूरा का पूरा प्रसंग, यहाँ समय नहीं है, लेकिन कालिदास की जो अपनी शैली है उसमें विशेष रूप से सीता के दुख के प्रति उन्होंने अपना हृदय खोल कर रख दिया है। और वाल्मीकि की एक विशेषता, जहां मनुष्य और प्रकृति एक हो जाते हैं, सीता के अपहरण के बाद सिंह व्याघ्र मृग सब ऊपर से ले जाई जाती सीता की छाया को पकड़ते हुए और धरती पर दौड़ने लगते हैं। मृगों से राम को संकेत मिलता है कि सीता किधर को गई हुई है, तो पूरी की पूरी प्रकृति सीता के दुख से एक हो जाती है। ठीक वही चीज हम कालिदास के यहाँ भी पाते हैं। तो ये जो संस्कृत कविता की एक विशेष बात है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने लक्षित किया था और रेखांकित किया था, और हिंदी कविता में उसका अभाव पा करके उनको थोड़ा सा क्लेश भी था कि यहाँ प्रकृति और मनुष्य का साहचर्य अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है। वहां प्रकृति उद्दीपन विभाव बन के नहीं आती, तो वो कालिदास की कविता का जो जादू है वो यहाँ भी दिखाई देता है। कालिदास के बाद, हालांकि कालिदास से पहले भी कुछ लोग मानते हैं कि हुए होंगे दिंगनाग, तो दिंगनाग की कुंदमाला एक नाटक है और हम पाते हैं कि वाल्मीकि की उसी कथा पर या तो जनता के भीतर भी तरह तरह की कथाएं चल रही थी और एक संशोधन और परिवर्धन चल रहा था, क्योंकि आदमी क्षतिपूर्ति करता है, मानसिक क्षतिपूर्ति, तो जनता ने भी सीता के दुख के प्रति शंबूक किए के साथ जो अत्याचार हुआ उसके प्रति, अग्नि परीक्षा का जो दुख है उसके प्रति, जनता की मानसिक क्षतिपूर्ति का जो विस्फोट है वो निश्चित रूप से उनकी कथाओं में होता रहा होगा और इसका प्रभाव हम बाद की कविता में देखते हैं, विशेष रूप से भवभूति के यहाँ, जिसमें सीता भूमि प्रवेश नहीं करती। वाल्मीकि के कहाँ, वाल्मीकि के यहाँ अश्वमेध यज्ञ के बाद सीता जब अंतिम क्षण में शपथ लेती हैं अपनी पवित्रता का, और तब धरती माता विवर देती हैं उनको, तथा मे माधवी देवी विवरम दादुम अर्हसी, धरती माता फट जाए, तो धरती फट जाती है और सीता उसमें समा जाती है। यह भूमि प्रवेश की घटना भवभूति ने नहीं दी और भवभूति ने सीता और राम का पुनर्मिलन कराया। तो ये जो सातवीं आठवीं शताब्दी का, आठवीं शताब्दी का कवि है भवभूति, वह उत्तर रामचरितम में एक बार फिर नए सिरे से उसी राम कथा को, विशेष रूप से सीता के साथ होने वाली अंतिम घटना को, सीता वनवास और भूमि प्रवेश, इस पूरी घटना को अपनी कवि कल्पना से बिल्कुल एक नया रूप देता है। तो हम मानते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में राम कथा केवल दोहराई नहीं गई बल्कि उसमें हमेशा नया नया शोधन होता गया और वो उदात्त होती गई, या कहना चाहिए कि युग का भी दबाव रहा होगा, और यह भी हो सकता है कि स्वयं कवि की सहृदयता और उसकी अपनी कल्पना, यानी सीता पूर्ण गर्भा है जब उनका वनवास होता है और जब वह गंगा में कूद पड़ती हैं उसी समय उन्हें प्रसव होता है और गंगा उन्हें अपने साथ ले जाती है। इस तरह से गंगा उनका, उनके बच्चों का पालन पोषण करती हैं और बच्चों का दूध छूटने तक गंगा के अभिभावकत्व में वे बच्चे रहते हैं और फिर गंगा उन बच्चों को वाल्मीकि के हाथों में जाकर सौंप आती है। तो इस तरह से सीता भूमि की पुत्री है,
लेकिन उसकी एक अभिभाविका और हैं और वो हैं भगवती भागीरथी। 12 वर्ष के बाद फिर उन बच्चों का अध्ययन पूरा होने के बाद जब राम अश्वमेध करते हैं तो उस अश्वमेध में अंतिम शपथ के समय राम और सीता का पुनर्मिलन होता है, लेकिन भवभूत ने बिल्कुल एक नई कल्पना की। नई कल्पना मुख्य उसके दो प्रसंगों को मैं लेता हूं। एक तो ये है कि राम दंडकारण्य में पहुंचते हैं और 12 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए बच्चों के कल्याण के लिए सूर्य का पूजन करने के लिए गंगा देवी ने सीता को तमसा और मुरला के साथ उसी दंडकारण्य में भेजा है। लेकिन आशीर्वाद कुछ ऐसा है सीता को कि सीता को राम नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता, लेकिन सीता सबको देख सकती है। और इस नाटकीय युक्ति के कारण एक अद्भुत जिसको छाया अंक कहते हैं, उस अंक में राम और सीता के बीच चलने वाली जो जो मन के बीच की भावनाओं का द्वंद्व है वो भवभूति की कविता को बहुत ऊंचा उठा देता है। राम और सीता के बीच का जो प्रेम है वो करुणा से लगकर एक संस्कृत कविता में ही नहीं बल्कि भारतीय कविता में एक नए अध्याय का निर्माण करता है। उसी तरह से उनका जो पुनर्मिलन होता है वह नाटक के भीतर एक नाटक के जरिए होता है, यानी वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में एक नाटक की योजना करते हैं और उस नाटक में स्वयं राम लक्ष्मण दर्शक के रूप में है, लौ और कुश दर्शक के रूप में है और मंच पर क्रमशः जैसे जैसे प्रसंग चलते हैं, क्योंकि राम को तो पता नहीं है कि निर्वासन के बाद सीता का क्या हुआ, तो वो सारे प्रसंग मंच पर दिखाए जाते हैं और भगवती भागीरथी फिर एक बार सीता को लेके मंच पर प्रकट होती हैं और कुलगुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति देवी के हाथों में सौंपती हैं, यह है पवित्र सीता, इसे तुम स्वीकार करो। और वहां पूरी जनता भी दर्शक के रूप में उपस्थित है और अरुंधति पूछती हैं कि इस पवित्र सीता के बारे में आप लोगों का क्या विचार, और सब सीता को नमस्कार करते हैं और इस तरह से सबकी स्वीकृति और हर्षद ध्वनि के बीच, लेकिन यह सब देख के राम मूर्छित हो जाते हैं और अरुंधति आदेश देती है कि बेटी अपने हाथों के स्पर्श से राम को फिर से जीवित करो। और इस तरह से सीता के हाथों के स्पर्श से राम फिर से संजीवित हो उठते हैं और सीता और राम का मिलन होता है। तो उत्तर रामचरितम एक अद्भुत रचना है। राजशेखर ने यह बात कही है और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि स्वयं वाल्मीकि ही भवभूति बनकर अवतरित हुए थे और अद्भुत बात है कि इस नाटक के भीतर वाल्मीकि का लिखा हुआ नाटक खेला जाता है और उस नाटक में स्वयं वाल्मीकि जो एक पात्र भी है इस राम कथा के, ये एक अद्भुत योजना है भवभूति की। और जब अंतिम उसका भरत वाक्य है उसको पढ़ते हुए आपको लगेगा कि ये वाल्मीकि पर कहा जा रहा है या भवभूति के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि वह जो शब्द ब्रह्मविद प्राज्ञ कवि है वह वाल्मीकि भी हो सकते हैं और भवभूत भी हो सकते हैं। इतनी चर्चा के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि भवभूति के बाद फिर बहुत सारे नाटक और काव्य राम पर लिखे ही जाते रहे, जिसमें अनर्घ राग हो, उदात्त राग हो, उन्मत्त राग हो, प्रसन्न राग हो, अनेक महाकाव्यों की भी रचना हुई। हनुमान नाटक और प्रसन्न राग हो का तो विशेष रूप से बाद में जो अनेक भारतीय भाषाओं में रचना हुई, विशेष रूप से तुलसीदास के रामचरितमानस पर इनका बहुत ही प्रभाव पड़ा।
तो ये संस्कृत साहित्य की परंपरा का की कुछ रचनाओं का मैंने उल्लेख किया, लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो दूसरी भाषाएं हैं यानी प्राकृत में और अपभ्रंश में, विशेष रूप से जैसे बौद्ध परंपरा में दशरथ जातक का महत्व है, वैसे ही आप देखें तो स्वयंभू और पुष्पदंत ये जो अपभ्रंश के कवि हैं, इन्होंने रामायण कथा को अपने हाथ में लिया और उन्होंने एक विशेष ढंग का प्रकरणों के साथ प्रयोग किया, जिसमें स्वयंभू की कथा में तो उतना अंतर नहीं है। स्वयंभू एक बहुत ही उदार कवि हैं और गृहस्थ भी हैं, पंडित तो खैर हैं ही। स्वयंभू की रचना जो स्वयंभू रामायण कही जाती है यानी पौमचर्यु, संस्कृत में भी रविशेण ने पद्मचरितम नाम से लिखा था और विमल सूरी ने प्राकृत में पौमचर्यु चौथी शती में लिखा था। स्वयंभू की रामायण 8वीं शती की है और अपभ्रंश में उसकी भूमिका जिस ढंग की है, राहुल जी को एक बार यह लिखना पड़ा था कि शायद तुलसीदास ने स्वयंभू की रामायण देखी होगी क्योंकि उनके रामचरितमानस पर इसका बहुत प्रभाव है। जो हो, लेकिन स्वयंभू के काव्य में वाल्मीकि की वही तेजस्विता दिखाई देती है, इस कारण कि बाद के रामायण या बाद के उसके एक प्रसंग को लिखे हुए काव्यों और नाटकों में सीता में फिर वही तेजस्विता नहीं दिखाई देती जो वाल्मीकि में है, लेकिन स्वयंभू रामायण में सीता अपनी पूरी तेजस्विता के साथ आती हैं, जो अग्नि परीक्षा के समय राम के आरोपों का बहुत तीव्र प्रतिवाद करते हैं। उसमें सीता की प्रतिभा भी झलकती है, उनका स्वाभिमान भी झलकता है, लेकिन उसका अंत जो होता है वो राम के जैन धर्म में दीक्षित होने से होता है। और ये जो कथा का जैन रूपांतर है ये पुष्पदंत के यहाँ थोड़ा ज्यादा है। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के हैं और उन्होंने जो आदि पुराण नाम का विशाल पुराण काव्य लिखा, इसको आप कह सकते हैं कि यह अपभ्रंश का महाभारत है, यानी लगभग एक विश्वकोश है। इस आदि पुराण का एक हिस्सा यानी महापुराण का एक हिस्सा तो जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव उनके जीवन पर है और बाकी हिस्सों में 23 तीर्थंकरों का, 12 चक्रवर्तियों का, 9 बलदेवों का, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायणों का जीवन आता है और इसी खंड में राम का भी जीवन है। तो ये एक बहुत विशाल काव्य है, 63 पुरुष गुणालंकार इसको कहते हैं, यानी 63 महापुरुषों के गुणों का वर्णन इस रचना में हुआ है। पुष्पदंत की विशेषता यह है कि वो जैन धर्म का जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण है उसके द्वारा उन्होंने अधिक इसमें परिवर्तन किया है और इतना परिवर्तन किया है कि जैसे उनके यहाँ सीता जो है वो रावण की पुत्री हैं जो मंदोदरी से पैदा होती है और जब मालूम होता है कि इससे बड़ा अमंगल होगा तो रावण उसे समुद्र में बहा देता है और फिर वो पृथ्वी को प्राप्त होती है, किसान के जरिए जनक को मिलती है। इसी तरह से लक्ष्मण जो हैं वो सुमित्रा के नहीं कैकेयी के पुत्र हैं। दूसरे सीता हरण जो है वो काशी के पास एक वन में होता है, पंचवटी में नहीं होता, क्योंकि
राम लक्ष्मण यानी की पूरी कथा का जो केंद्र है वो अयोध्या नहीं है, वो काशी है। काशी में ही इनका जन्म होता है, राज्य उनका काशी में है। बाद में कौशल को काशी में मिला लिया गया, ऐसा आता है। और दशरथ जीवित रहते हैं वनवास तक, राम के लंका से लौट आने के बाद दशरथ की मृत्यु होती है। लक्ष्मण रोग से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और राम बाद में बहुत निवृत्त हो जाते हैं और वैराग्य ले लेते हैं। तो इस तरह से पुष्पदंत ने वह परंपरा शुरू की जिसमें रामायण के चरित्रों को जैन धर्म की शरण में ले गए बगैर उनके चित्त का समाधान नहीं होता। इस तरह से पुष्पदंत ने जगह जगह अपने एक संकुचित सांप्रदायिक दृष्टिकोण का उसमें परिचय दिया है और उनकी रामकथा स्वयंभू की तरह से मार्मिक नहीं हो सकी है। हम देखते हैं कि उसके बाद रामायण अपने भाषा काव्य जिसको आप कहते हैं यानी कि कंब 12वीं शताब्दी में आते हैं, तमिल की रचना कंब रामायण, ये कह सकते हैं कि वाल्मीकि के समकक्ष हैं एक तरह से तमिल में। और कंब की भी यही विशेषता है कि उन्होंने रामायण कथा के माध्यम से तमिल संस्कृति को एक तरह से प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। उन्होंने भी बहुत विस्तार से जिसको हम कहते हैं वस्तु वर्णन यानी कि परिवेश का और एक एक चीज का बहुत रुचि लेकर वर्णन करना कंब की यह विशेषता है। कंब रामायण की कोई परंपरा तमिल में चली या नहीं चली ये हम नहीं कह सकते, लेकिन दक्षिण भारत में ये रामायण कथा इस तरह जरूर पहुंची और कंब निश्चित रूप से इसमें पहले कवि नहीं हो सकते। तो वो कथा लेकिन तमिल में एक परिपक्व रचना के रूप में हमारे सामने आती है और ये सूचना देती है और विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण की कथा किस तरह से अपना रूप लेती गई होगी। 15वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में तेलुगु में बुद्ध रेड्डी का रंगनाथ रामायण और एक मूल कवि हुई स्त्री हैं उनका मूल रामायण जो संस्कृत की विदुषी प्रतीत होती हैं और ज्यादातर वाल्मीकि के मेल में उनकी रचना चलती है, लेकिन जगह जगह अपना विशेषत्व भी वह दर्शाती गई हैं। और इस तरह से मूल रामायण और रंगनाथ रामायण ये तेलुगु के भीतर ये रामायण की परंपरा के भीतर रचनाएं परिगणित होती हैं। उत्तर भारत में 15वीं शताब्दी में कृतिवास ओझा का कृतिवास रामायण जो लोक में जैसे हमारे यहाँ आल्हा हिंदी प्रदेशों में गाया जाता है उसी तरीके से जो पांचाली गायन है उस पांचाली गायन की परंपरा में राम कथा की उन्होंने रचना की। और इस रचना में चूंकि ये लोक गायन भी इसका होता रहा इसलिए बीच बीच में गायक भी इसमें अनेक चीजें जोड़ते गए हैं, इसीलिए कृतिवास रामायण के अनेक पाठ मिलते हैं। लेकिन यह अत्यंत लोकप्रिय रचना हुई जिसमें पांडित्य का प्रदर्शन तो नहीं लेकिन जो लोक गायन की परंपरा है काफी जड़ में गई हुई जो रामायण कथा है उसका प्रमाण ये कृतिवास की रामायण देती है। कहते हैं कि जो निराला जी की राम की शक्ति पूजा है, राम रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले शक्ति की आराधना करते हैं, ये प्रसंग कृतिवासी रामायण में है और निराला को प्रेरणा वहीं से मिली। लेकिन फिर भी राम की शक्ति पूजा में
स्वयं निराला की कभी प्रतिभा कभी कल्पना और जो युग के मूल्य हैं वो उसको बिल्कुल नया रूप देते हैं। असमिया में 15वीं शताब्दी में ही कंदली ने असमिया रामायण की रचना की, 15वीं शताब्दी में ही बलराम दास ने उड़िया रामायण को रूप दिया और रामायण की भारतीय भाषाओं में रचना की दृष्टि से 16वीं शताब्दी एक आदर्श शताब्दी है, जिसमें अकबर ने रामायण संबंधी चित्रों की श्रृंखला बनवाई और हमारे तुलसीदास जी ने संबत 1680 यानी 1623 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इसी के आसपास एकनाथ ने मराठी में भावार्थ रामायण की रचना की, कोरावे ने कन्नड़ रामायण की रचना की और एजुत्तुच्छन मलयालम में अध्यात्म रामायण की रचना करते हैं। ये 16वीं शताब्दी यह ध्यान में रखनी चाहिए, यह भक्ति काव्य की शताब्दी है और भाषा में रचे गए जो रामायण काव्य हैं इन पर इस भक्ति की बहुत गहरी छाप है और यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस भक्ति ने रामायण की उस कथा को भीतर से जाके बदल दिया, यानी कथा तो वही है लेकिन उसकी अंतरधारा ने चरित्रों को ही बिल्कुल दूसरे रूप में ढाला, दूसरे रंग में ढाला। इसका सबसे जबरदस्त प्रमाण स्वयं तुलसीदास का रामचरितमानस है, जिसके राम बिल्कुल तुलसी के ही राम है, जिनकी सीता तुलसी की ही सीता है और सबसे बड़ी देन है उनकी वो है भरत। तुलसी जैसा भरत न उनसे पहले है न उनके बाद किसी का भरत दिखाई देता है, क्योंकि भक्ति का आदर्श बनकर लगभग सब चरित्र भक्ति का आदर्श बनकर उभरते हैं लेकिन उनमें भी भरत सर्वश्रेष्ठ हैं जो चरित्र में राम से होड़ करते हैं। और स्वयं अयोध्या कांड को पढ़ते हुए मालूम होता है कि तुलसीदास इस होड़ में कई बार भरत की ओर झुक जाते हैं। भरत भूमि रह राहुर राखे, भूतल हो न भाव भरत को सकल धर्म धुर धरन धरत को। अगर धरती पर भरत नहीं आते तो धर्म का जो सार है वह मूर्तिमंत दिखाई कैसे देता है। तो ये जो भरत का चरित्र है और सबसे बड़ी चीज की रामलीला शर्मा ने कहा है पूरा अयोध्या कांड करुणा का लहराता हुआ सागर है, तो रामायण की विशेषता ही है करुणा। हमारे प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने महाभारत के केंद्र में शांत रस को, इसकी परिसमाप्ति शांत रस में होती है, वैराग्य में होती है और रामायण की परिसमाप्ति करुणा में होती है। तो मनुष्य की हृदय के सभी भावों को लेकर जो कविता चलती है, जिसके जरिए हम नौ रसों की कल्पना करते हैं और कुछ और रसों की कल्पना करते हैं, तो इन तमाम भावों में करुणा सबसे अधिक मानवीय है। आधुनिक युग में रामचंद्र शुक्ल ने करुणा के महत्व पर अधिक लिखा, तो जब यह उन्होंने कहा तो उनके पीछे रामायण था। ये करुणा भक्ति के साथ मिलकर तुलसीदास की कविता को एक नया रूप देती है। दूसरी चीज कि उनकी कविता में बार बार इस बात से आगाह किया जाता है कि राम को साधारण मनुष्य मत समझना, वे अवतार है, वे मनुष्य का रूप धारण करके यह सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वे अवतार है। ये बात अध्यात्म रामायण से आई है, यह ब्रह्मांड पुराण का एक अंश है और बाद की रचनाओं पर अध्यात्म पुराण का विशेष रूप से तुलसीदास पर उसका प्रभाव बहुत अधिक है। संवाद उन्होंने हनुमान नाटक से लिए हैं और प्रसन्न राघव से भी लिए हैं। तुलसीदास
हमारे उस समय के बहुत ही पढ़े लिखे, बहु पठित, बहुत श्रुत कवि थे, और उन्होंने संस्कृत साहित्य परंपरा के सार को पूरी तरह से एकदम उसमें निशेष कर दिया है। तो एलत्तुंचन की मलयालम रामायण मुख्यतः अध्यात्म रामायण है। इस तरह हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में आते आते रामायण एक दूसरा रूप ग्रहण कर लेता है, और इसी क्रम में 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह ने, तो उनके आदि ग्रंथ का हिस्सा है, दशम ग्रंथ का हिस्सा है, वो है गोविंद रामायण, जिसमें उन्होंने राम का चरित्र ब्रज भाषा में रचा, तुलसीदास ने अवधी में रचा था। और इसी तरह से बाद में 18वीं शताब्दी में गुजराती रामायण गिरधर ने, कश्मीरी रामायण दिवाकर प्रकाश भट्ट ने, और नेपाली रामायण 19वीं शताब्दी में भानुभक्त ने रचा। मैथिली में भी तीन तीन रामायण मिलते हैं, जिसमें चंदा झा की रामायण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये जो विभिन्न रामायण भारत की विभिन्न भाषाओं में रचे जाते हैं, ये एक वाल्मीकि की उपजीवियता से, यानी वाल्मीकि एक ऐसा उद्गम है, हिमालय के उद्गम से तो कुछ नदियां निकलती हैं जो केवल उत्तर भारत को सींचती हैं, लेकिन वाल्मीकि एक ऐसे उद्गम है जहां से हमारा अनेक धाराएं कूदती हैं और हमारा पूरा सांस्कृतिक प्रवाह उससे अब तक आप्लावित होता आ रहा है। ये रामायण के साहित्यिक महत्व का एक बहुत कहना चाहिए कि चरम मूल्य का विशेषत्व है। दूसरी चीज ये है कि आधुनिक युग में जब रामायण को लिया गया, तो हम समाज में भी देखते हैं, बाबा रामचंद्र ने रामचरितमानस का उपयोग किसान आंदोलन में किया, जिस पर इतिहासकारों ने काम किया है। तो उसी तरह से लीलाओं में भी स्वाधीनता संग्राम के दौर में नए नए परिवर्तन करके उसका उपयोग किया गया। तो एक परंपरा और है, और वो है लोकगीतों की परंपरा, वाचिक परंपरा। और इस वाचिक परंपरा में जनता द्वारा मानसिक क्षतिपूर्ति का रूप अनेक लोक कथाओं में और लोकगीतों में दिखाई देता है, जिसमें सीता वनवास के प्रसंग में सीता की ओर से राम को उलाहना दिया जाता है, गा गा कर उलाहना दिया जाता है, और बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर में बार बार उसे गाया और दोहराया जाता है। लेकिन जो आधुनिक युग में एक बौद्धिक प्रकाश आया, उसकी वजह से हमने पौराणिक कल्पनाओं को बुद्धिसंगत और तर्कसम्मत रूप देने की कोशिश की। हम देखते हैं कि वैदेही वनवास की रचना जो हरिऔध जी ने की, ठीक उसी तरह से गुप्त जी ने 20वीं शताब्दी में जो साकेत की रचना की, उसमें हम गांधी जी के विचारों के और स्वाधीनता संग्राम के, विशेष रूप से सत्याग्रह वगैरह के अनेक चिन्ह उसमें हम पाएंगे, जो प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। वनवास के समय राम के रथ के आगे जनता का लेट कर सत्याग्रह करना कि हम आपको वन नहीं जाने देंगे, इसी तरह से राम का यह कहना कि हमें धरती को ही स्वर्ग बनाना है। दूसरी चीज ये है कि सीता की जो सेवा भावना है, वैसे ही उन्होंने हरिऔध जी ने राधा की सेवा भावना में भी जो गांधी जी के विचार थे उनको उसमें पिरोने की कोशिश की। दूसरे महायुद्ध के समय में हम देखते हैं कि संशय की एक रात में और दूसरी तमाम रचनाओं में युग के प्रश्नों से आकुल होकर कवियों ने संशय की एक रात या इसी तरह की जो रचनाएं हैं उसमें आधुनिक युग की प्रतिध्वनियां हमें दिखाई देती हैं। राम की शक्ति पूजा एक कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की एक ऐसी कविता जो महाकाव्योचित गुणों से भरपूर है, जिसमें राम मनुष्य होकर उभरते और उनका अंतः संघर्ष, उनका आत्मसंघर्ष स्वयं उस युग के आत्मसंघर्ष से मेल खाता है,
और स्वयं कवि के भी आत्मसंघर्ष से मेल खाता है। इस तरह से कई कई स्तरों पर राम की शक्ति पूजा आधुनिक पाठक के मन को प्रभावित करती है। ये रामायण का साहित्यिक महत्व है को उसकी प्रेरणाएं यानी नई नई रचनाओं और कल्पनाओं के लिए उसकी प्रेरणाओं का स्रोत आज भी समाप्त नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है रामायण की। गांधी जी ने स्वयं रामचरितमानस के प्रसंग में उल्लेख किया और उसके इस प्रेरक गुण की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। विशेष रूप से उन्होंने पुरानी कविता को नवी कविता पर महत्व देते हुए कहा था, उस समय जब साकेत उनको सुनाया गया था उसके नवम सर्ग में उर्मिला पूरी तरह विलाप करती हैं, उपेक्षिता स्त्रियों को साहित्य में स्थान दिलाने के लिए जो रविंद्रनाथ ने कहा था, तो उसके असर में गुप्त जी ने उर्मिला का विलाप नवम सर्ग में पूरा एक सर्ग उसके विलाप को समर्पित कर दिया। उस पर गांधी जी का विचार था कि उर्मिला की जो मौन तपस्या है उसमें कहीं अधिक शक्ति है, तेजस्विता है, प्रेरणा है। आपने उर्मिला को बहुत रुलाया है, इसलिए पुरानी कविता का जो ओज है और उसमें मनुष्य के प्रत्येक जीवन संघर्ष में, जीवन के प्रत्येक प्रश्नाकुल क्षण में जो समाधान देने की शक्ति है, वो रामायण का बहुत बड़ा साहित्यिक महत्व है। इससे भी ये चीज प्रमाणित होती है कि 19वीं शताब्दी में जो गिरमिटिया मजदूर बाहर गए मॉरिशस में, फिजी में, ट्रिनिडाद में, सूरीनाम में, वे अपने साथ मानस की पोथी भी ले गए, रामायण ले गए, और उन्होंने बार बार उसको गाते बजाते हुए अपना दुख ही नहीं भुलाया। उनके मन में एक आशा थी कि जैसे सीता और राम के दिन लौटे थे, वैसे हमारे भी दिन कभी लौटेंगे। रहीम के जीवन में भी रामायण इसी तरह से एक चित्त का समाधान करने वाला आदर्श बन करके उभरा हुआ दिखाई देता है। जब रहीम जीवन के अंतिम दिनों में चित्रकूट में जाकर अपना दुख भुलाने की कोशिश करते हैं, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा परत है सो आवत एही देश। इस तरह रामायण दुख में, संघर्ष में, चुनौतियों के आगे संघर्ष में खड़ा होने की प्रेरणा देने वाला काव्य है। वह साहित्यिक प्रेरणाओं और कल्पनाओं का तो उद्गम है ही, स्वयं दुखी मन को, मनुष्य के आकुल मन को समाधान देने वाला भी एक अद्भुत काव्य है। यहाँ कविता जीवन का से उपजती है और जीवन का ही अंग और अवलंब बनकर जीती रहती है। ये रामायण का एक बड़ा साहित्य महत्व है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बातचीत को रामायण के साहित्यिक महत्व की कुछ विशेषताओं को रेखांकित करते हुए समाप्त करता हूँ। नमस्कार।